जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू? फाइन होंगे? अभ्यास रिया सब चल रहा होगा। आइए एक कुछ फिर नया लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए कहरवा फर्स्ट दुगुन के लिए मैं कहरवा कैसे बजाते हैं ये मैं लेके आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगा, पसंद करेंगे। बहुत सिंपल, बड़ा आसान, सिर्फ मेरे चैनल पर आपको मिलेगा एक से एक आसान टेक्निक। पहले भी मैंने लगभग 100 वीडियो दिए हुए हैं आप लोगों को, यूट्यूब पर आप लोग देख सकते हैं। तनोज संगीतालय के नाम से है मेरा चैनल। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें और अपने यार दोस्तों को लाइक करें, शेयर करें, लाइक भी करें। तो आइए हम आज दुगुन बजाना सीखते हैं, कहरवा ताल का दुगुन। बहुत ज़रूरी होता है फास्ट बजाने के लिए। कभी जागरण, चौकी या कोई फास्ट सॉन्ग होता है उसमें बजाने में बहुत जरूरत आती है इसकी। तो मैं आज लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए कहरवा ताल दुगुन। ठीक है, तो कैसे बजाते हैं पहले एक बार मैं बजा के दिखाता हूँ। बजाना कैसे है मैं आपको बताता हूं। सिंपल बोल है, कुछ नहीं है। धीन ताता धीन ताता धेना धीन ताता धेना धीन ताता धेना धीन ताता धेना। देखिए बहुत लोग कहते हैं कि मैं स्लो नहीं बता रहा हूं, अब इससे ज्यादा स्लो मैं क्या बताऊं। खुद देखिए धीन पहले बोल नोट कर लीजिए आप। धीन ताता घेना धीन ताता घे ना। ठीक है, अब इसको सर्कल में कैसे बनाना है ग्राउंड फिगर में। धीन ताता घेना धीन ताता घेना धीन ताता घेना धीन ताता घेना। ठीक है, अब बजाते कैसे आपको पता है कि हम धीन एक साथ दोनों बजेगा। धीन फिर ताता ओनली राइट हैंड ताता और फिर इधर से घे एंड इधर से ना। ठीक है, तो दोनों एक साथ पहले स्टार्ट करते हैं। धीन घे ना, फिर बताओ धिन तत्ता घे ना। ठीक है, अब इसको थोड़ा एक सर्किल में बनाकर हम देखते हैं। धिन तत्ता घे ना धिन तत्ता घे ना धिन तत्ता घे ना धिन। ठीक है, इधर का पोजीशन आपको पता है। धिन एक साथ दोनों अंदर धिन तत्ता। ठीक है, दोनों एक साथ अंदर धिन तत्ता घे एंड ना। सिंपल है, सिर्फ चार बोल है। देखिए धिन ताता घे एंड ना। ठीक है, अब इसको क्या करना है आपको, स्लो स्लो प्रैक्टिस स्टार्ट करना है। धिन ताता घे ना धिन ताता घे ना धिन ताता घे ना। स्लो स्लो करते करते धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ानी है। कैसे? धिन करते जाइएगा तो इसका एक रूप ऐसा निकल के आएगा जैसे मैंने बजा के आपको दिखाया। देखिए एक बार मैं इसका असली रूप और दिखाता हूं। देखिए कोई भी सॉन्ग है, जैसे फास्ट सॉन्ग है एक्स वाई जेड कोई भी सॉन्ग है, कितना भी इसको फास्ट ले जा सकते हैं। सबसे बड़ी कलाकारी इसमें यह है कि इस बोल का अगर आप अभ्यास कर लेते हैं तो कितना भी आप फास्ट ले जाना चाहे इजीली जा सकता है। ना आपको थकान होगा हाथ में, ना हाथों में दर्द होंगे और आप फास्ट जितना मर्जी उतना ले जा सकते हैं। जैसे कि देखिए है ना, अब बीच में मैं क्या लगा रहा था, ता ता सिंपल था ता 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 ता, तीन बार ता, थोड़ा स्पीड में ता ता ता, तभी आपका एक लय में आएगा ना। जैसे चल रहा है लेकिन ये ता 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 बार बार नहीं करना है,
जब सॉन्ग का एंड पोजीशन हो, चेंज लाइन हो, तब इसको ता 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 करना है, ठीक है। तो दोस्तों करिए अभ्यास, दुगुन ताल का अभ्यास कीजिए, आराम से इसका मजा लीजिए, स्लोली स्लोली धीरे धीरे इसको फास्ट करने की कोशिश कीजिए। जब बजाने आ जाए तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ मेरा बताया हुआ आप लोगों को समझ में आया, तो मुझे खुशी होगी। तो अब दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।